नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बैठक की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ की औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अनुरोध किया है कि कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द कार्यान्वित किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भी निर्देश दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री साय ने पीयूष गोयल से मुलाकात की है और इसी के साथ साथ तमाम विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है और इसी के साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी और इसके अलावा पीयूष गोयल की भी यहां मौजूदगी दिखाई दे रही है। और इस बीच तमाम विकास के कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। सबको उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है ताकि विकास के काम को और सुचारूपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलाई के खुर्सीपार स्थित श्रीराम मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा पंडाल में जाकर माता की आरती की और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि खुर्सीपार के अंडा चौक पर स्थित श्रीराम मैदान में मुख्य दुर्गा पंडाल का आयोजन किया गया है, जो कि भिलाई का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है और इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। जिसके बारे में बताते हुए दुर्गा जन जागृति उत्सव समिति के अध्यक्ष डी कामराजू ने बताया कि दुर्गा जी के पंडाल को बनाने बाहर से मजदूर बुलाए गए थे और वहीं उन्होंने बताया कि दुर्गा माता की मूर्ति दुर्ग के थानोद से बनवाई गई है। सभी जगह माता रानी विराजी हैं और सभी पंडालों में अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल सुपेला गया था, माँ गंगा आरती भी हुई और यहाँ भी आया माता जी की पूजा सुना या कुर्सी पार में, तो सब जगह इसी प्रकार का वातावरण। अभी कुमारी भी गया था, लगातार सब जगह जाओ और सभी श्रद्धालुओं के हर पंडाल में जहाँ जहाँ माता विराजी है सभी जगह हजारों लाखों की भीड़ है। सबको बधाई शुभकामनाएं। ऐसा है हमारे यहाँ दुर्गा पूजा समिति में सभी को निमंत्रण देते हैं कि आ जाए और क्या बोलते अपना देखे और इंजॉय करे, तो उसी हिसाब से हमने पूर्व मुख्यमंत्री को भी बुलाया था, तो ये उनका बड़प्पन है कि क्या बोलते हमारी समिति में आकर के पूरे समिति के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किए और पंडाल और क्या बोलते अंदर की व्यवस्था की बहुत तारीफ की। यह आयोजन विगत 5 वर्षों से लगातार चल रहा है और इसकी भव्यता दिनों दिन बढ़ते जा रही है और यहाँ की मूर्ति थनौद गांव से लाई गई है और थनौद गांव से हर साल आता है। मैं डी कामराजू, अध्यक्ष हूँ दुर्गा जन जागृति उत्सव समिति श्री राम चौक मैदान खुर्सीपार भिलाई। और वही साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के नेतृत्व में दुर्ग पुलिस ने अपने सभी वाहनों पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 का स्टीकर लगाकर लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का अनूठा प्रयास किया है और इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी पहुंचाना और उन्हें साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक करना है। और इसी के साथ साथ ऐसा महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत स्वयं पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने की, जिन्होंने अपनी शासकीय कार पर 1930 हेल्पलाइन का स्टिकर चिपकाकर इसे आम जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया और इसके बाद दुर्ग पुलिस के सभी
वाहनों पर इस स्टिकर को लगाया गया ताकि आम जनता तक ये संदेश पहुंचे और साइबर अपराधों की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर आम जनता दे सके और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सके। अपील है कि साइबर क्राइम से बचें, आप किसी भी प्रकार के डर या लालच में ना आएं, अननोन नंबर से आप अगर वीडियो कॉल स्पेशली होता है तो उसको ना उठाएं, केवल अपने परिचित लोगों से ही वीडियो कॉल करें। और अगर आपको कोई भी आदमी आपको महसूस होता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में जरूर करें और अपने जो सीक्रेट जानकारी स्पेशली आपकी फाइनेंशियल जानकारी उसकी अननोन लोगों से शेयर ना करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि साइबर जागरूकता पखवाड़ा हमारे यहाँ इस दुर्ग जिले में और पूरे प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के आदेश से चल रहा है, तो इसमें तरह तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर जितनी भी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं, अधिकारियों की गाड़ियां हैं, सब पर हम एक स्टिकर चिपका रहे हैं जिसका नंबर, जिसमें के 1930 जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग का जो टोल फ्री नंबर है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा नागरिकों से यही निवेदन है कि कृपया 1930 जो नंबर है इसको अपने दिल में उतारें। अगर आपको कहीं भी कभी भी साइबर क्राइम के आप शिकार होते हैं, जहां आपको साइबर क्राइम होने की आशंका लगती है, तो 1930 पर रिपोर्ट करें, आपकी शिकायत वहां तत्काल दर्ज की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपके साथ जो फ्रॉड अगर हुआ है तो उसका पैसा आपको वापस तत्काल दिलाया जा सके। 1930 में कॉल करने के बाद सर कितना समय मिल जाता है? देखिए, हमारा उद्देश्य यह है कि साइबर फ्रॉड किसी के साथ ना हो। अगर हो जाता है तो इमीडिएटली इस पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो पैसा है, जो कि बैंक अकाउंट से आपके कहीं जाना है, तो वो रुक जाएगा और वो राशि आपको वापस हो जाएगी। सर, ठगी के लिए जो कॉल आते हैं क्या उसकी भी शिकायत की जा सकती है? बिल्कुल, साइबर क्राइम पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर जो ठगी के प्रयास हो रहे हैं लोगों द्वारा उसकी भी शिकायत उसमें की जा सकती है। इवन व्हाट्सएप के नंबर भी उसमें दर्शाए जा सकते हैं, टेलीग्राम के नंबर भी दर्शाए जा सकते हैं, या कोई फ्रॉड लिंक अगर आता है उसको भी उस पर दर्शाया जा सकता है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको भविष्य में फ्रॉड होने से रोका जा सके। और वही रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी पंकज झा जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी सौजन्य मुलाकात हुई और हमने उनको उनके जन सेवा के शानदार 23 साल आज पूरे हुए। 7 अक्टूबर 2001 को वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में आज उनके शानदार 23 साल पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य उनको हमने बधाई दी उनके शानदार 23 साल पूरे होने पर। और उनसे छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं उनके विषय में अवगत कराया, जो वहां पर मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है वो सबसे उनको अवगत कराया और भावी जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सबसे उनको अवगत कराया। और आज जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं और नक्सल समस्या से एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन था यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जिसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के सीएस, डीजीपी और अधिकारी और हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है। और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है और 9 महीने के अंदर ही
अनेक मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा, और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें। और हमारे गृहमंत्री जी और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं, असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहां की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं। तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो नक्सली हैं वो गोलीबारी की भाषा को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। तो उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर, अभी 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहां पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं, जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे उनको नौकरी लगाए हैं, इसके पहले भी कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है उसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। विष्णु के सुशासन का युवाओं से सरोकार, खुल रहे हैं सरकारी नौकरियों के द्वार, निष्पक्ष परीक्षा, बेदाग भर्तियां आई जोरदार, सीएम विष्णुदेव साय का नेतृत्व असरदार। एक साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में 3,500 पदों पर सरकारी भर्ती का रास्ता साफ, 5 साल जिनके इंतजार और गड़बड़ी से खराब हुए उनके आयु सीमा में 5 साल माफ, किसी के कंधे पर सजेगी वर्दी और सितारे, चिंता नहीं आपके पेयजल को कौन सुधारे, किसी के चिकित्सकीय सेवा का सपना हो रहा पूरा, किसी के छात्रावास संभालने का मार्शल बनने का सपना क्यों रहे अधूरा, जंगल की रक्षा करने वाले अब रक्षक आ रहे हैं, ग्रामीण विकास का दायित्व अब युवा कंधों पर सजा रहे हैं, न्यायालयों में त्वरित न्याय की बढ़ेगी जिम्मेदारी, कृषि कार्य की दक्षता बढ़ाएंगे कृषि विस्तार अधिकारी, युवा दलों में बेहतरी के जागे जज्बात है, विष्णु के सुशासन में रोजगार की बरसात है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां नवरात्रि पर्व के बीच एक बार फिर जमकर चाकूबाजी हुई है। जी हां, जहां दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बीच एक युवक की चाकू और पत्थर से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पहुंचते ही विवेचना शुरू कर दी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मृतक दादू कैटरिंग का काम करता है, तो वही इस हत्या को आपसी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वही 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये थाना कोतवाली के चंडी मंदिर के पास की घटना है। कल रात को लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करने के बाद फिर एक युवक जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर वहां पहुंची और युवक को पहुंचाया गया हॉस्पिटल की ओर। उसका तत्पश्चात पुलिस ने विवेचना चालू किया और उसमें
तीन अपराधियों को नामजद चिन्हित किया गया है और बाकी तीन चार संदेहियों को और लाया गया है, उससे पूछताछ जारी है। जितने की भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उसमें भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे की घटना और किस सामान से उसको वार किया गया? ये लगभग पुलिस को सूचना लगभग 12:30 के आसपास पुलिस के पास आई सूचना आई थी। उसके बाद तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें तत्काल लोगों में जो आरोपी हैं उसकी पहचान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और तीन लोगों को नामजद इसमें हिरासत में लिया गया है और बाकी जो अन्य लोग की सूचना मिलने पर उनको भी ला करके पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे अभी प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कि जो हार्ड जो ईंट या पत्थर होता है उस टाइप की चीजों से उसमें वार बताया जा रहा है जो बयान में आ रहा है और आगे की चीजें जिसका और भी इस्तेमाल किया होगा अभी पोस्टमार्टम के बाद सामने आ जाए। हाँ, मृतक कपूर में हत्या का मामला उसके ऊपर 2016 में था और छोटे मोटी अपराध में उसका नाम पहले से ही शामिल रहा है। वो अद्यतन अपराध से संबंधित था वो और इसकी और गहनता से जांच की जा रही है कि जो इसमें और संलिप्त है आरोपी उनका भी कोई पुराना इतिहास तो नहीं है। मृतक और आरोपियों के बीच कैसा संबंध था? मृतक की पत्नी ने बताया था कि एक आरोपी है जिसको ये शक था कि उसके भाई की एक मृत्यु हुई थी जिसमें जो अभी वर्तमान में जो मृतक है उसका हाथ हो सकता है, इसलिए वो उसने घटना को कारित किया है। तो उसके नामजद आरोप लगने पर उसको हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। खबर बेबेतरा से है जहां पर जिले की बिरला ब्लॉक के ग्राम सिंघट में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास से की गई या ग्रामीण अब भी कोसों दूर है। बता दें ग्राम सिलवाच के सैकड़ों ग्रामीणों को आवास नहीं मिला है जिसे ग्रामीण लंबे समय से कच्चे मकान पर रहकर अपने गुजारा कर रहे हैं। लंबे समय से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आवास की मांग को लेकर कई बार जो है गुहार लगा चुके हैं लेकिन अब तक उनकी गुहार नहीं सुनी गई है। दिखा रहे जहां पर अधिकारियों से तमाम तरह की मांगें की गई हैं और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा है और लाभ मिले इसके लिए लगातार ग्रामीणों द्वारा गुहार लगाई जा रही है जिसके लिए देखिए ज्ञापन लेकर भी पहुंचे हुए हैं। आवास योजना से लगातार ग्रामीण कोसों दूर हैं और लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उन्हें आवास मिले जिसके लिए कई बार देखिए प्रशासन से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर देखिए अपने आवास को मिलने के लिए जो ग्रामीण है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी एक एक एप्लीकेशन लेकर पहुंचे हुए हैं और इस बीच अधिकारियों से कई बार देखिए मांग की गई लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इसके बाद से लगातार ये अपनी मांग को पूरा करने के लिए जो है अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और इस बीच कई ग्रामीण एक साथ पहुंचे हुए हैं जहां पर आवास योजना को लेकर जो है इनकी मांग है वो मांग लगातार करते हुए ये नजर आ रहे हैं। गाँव में जिनकर घर 5 जन 10 जन है ओकर 5 जन के आवास योजना है जेकर घर खबर छानी है ओकर घर आवास नहीं मिलत है। और हम 20 साल से हो गए हम आए हम लेकिन आज तक के हमारे आवास नहीं आए और जो हमारे से पीछे है ओकर आवास आ चुके हैं। ऐसा न्याय होना भी नहीं चाहिए हमारे सिंघर गाँव में और हमन मन के मान दान नहीं है आवास योजना में ऐसे बोलते गाँव मन हाँ। लंबा समय से आपके गांव से जिला पंचायत ओकर का योगदान आपके गांव में? ओकर कोई योगदान नहीं हमारे गांव का कोई योगदान नहीं ना हमारे गांव कोई सहयोग नहीं कर पात होगा। अल्पितेश्वरी साहू है मैं ग्राम पंचायत सिलहट से आया हूँ। मोर आवास नहीं आए गए मैं 10-12 साल से मतलब शादी हो गई मोर 10-12 साल हो गया है लेकिन अभी तक के आवास से फायदा हमारा नहीं हो है। अब मुही भर नहीं मोर गाँव में सैकड़ों आदमी है देखा आवास अभी तक के नहीं आए और मैं कलेक्टर से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे ये सब जिसके लाभ दिया जाए। मोर नाम मूलचंद साहू है और मैं हम प्रधानमंत्री आवास गांव के हित के नाम से सैकड़ों चक्कर लगा चुके हैं लेकिन आज तक न मोर घर क्या है न मोर परिवार क्या है न मोर गांव क्या है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2000 हर व्यक्ति मिलना नहीं से तेना आज तक मतलब सरपंच के खाते में 7.5 लाख रुपया आ चुके हैं लेकिन वो आज तक 2 रुपया को नहीं दे।
ये ओखर लिए मैं आवेदन लगा चुके हैं कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन अभी तक ओखर कोई संज्ञान नहीं ले। कलेक्टर महोदय तपो है, मेरे पास कॉपी है, फिलहाल अभी मैं नहीं लाया हूँ। अगर प्रूफ करना चाहे मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आवास के लिए अपात्र मतलब घर नहीं मिले, पात्र मतलब मिले? हाँ ऐसे भी बात है, जहाँ जेखर दो मंजिला मकान है, दो भी तीन तीन तो पक्का मकान है, तेल आवास मिल चुके हैं, और जेखर एक भी मकान नहीं है, कच्चा है, बिला भर का करत है, खदर वगरत है, कपड़ा छानी है, वो छैया भी नहीं है, आज तक के झिल्ली डाले नहीं है, हमारे साथ में जो आया है कब से परेशान हूँ मैं? बहुत दिन से परेशान हूँ, यहाँ चोरी चमारी करे, यहाँ पंचायत पंच सरपंच मोरू मोरू दुनियादारी हर प्रकार के चोर चोर मौसेरा भाई के देना वो सब चीज है। यहाँ तक के दो तीन सालों में धान ला चोरी करके ले जाते। मैं सरपंच मेरे को हो रहा था, तहसीलदार मेरे को हो रहा था, थानादार मेरे को हो रहा था, SDM मेरे को हो रहा था, कई चुनाव आवेदन कलेक्टर में लाना, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो है। आपके गांव से जिला पंचायत सदस्य भी है राहुल टिकरिया? राम भाई राहुल टिकरिया के ग्राम सिंगट में हमारे सिंगट पाव होकर सिंगट मतलब टिकरिया के नाम से जाने जाते, लेकिन ग्राम पंचायत सिंगट पा में राहुल टिकरिया के एक पैसे के कोई योगदान नहीं है। वो समय में जो कर रही थे यज्ञ देशमुख है तेने समय में बस लहरा लेबर बरा रही है जनता प्रभावित करे बार, बाकी इसे ताले एक पैसे कोई लोग जाता है नहीं। मैं होकर सकल नहीं देखे वो समय से लेकर आज तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को सफलता अभूतपूर्व मिल रही है। हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में गांव गांव तक विकास पहुंचा है और कई गांव में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है। अगस्त को भी मैं गया, उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए छह जिलों के सभी मुख्य सचिव और DGP के साथ मीटिंग की थी और दो दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चौकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गृहमंत्री उनके DGP उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। और वहीं BJP मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जाति को जाति से और धर्म को धर्म से लड़ाया कर फूट डालो और शासन करो कि कांग्रेसियों टूलकिट को जनता समझ चुकी है। दीपक बैज यह अब बार बार नहीं चलेगा। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती, लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश पर प्रदेश को धर्म के नाम पर लड़ाकर, जाति के नाम पर लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों पर आपने केस दर्ज किया, लेकिन भुवनेश्वर की हत्या करने वालों पर आप कार्रवाई करने से हिचकते रहे।
आपके मंत्री उसी जिले में रहते थे, परंतु उनके घर जाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई, तब ये पत्र लिखने वाले दीपक भाई जी आप कहां थे? पूरा प्रदेश धर्मांतरण की आग में जल रहा था, स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू समाज की बैठक में कहना पड़ा कि अब धर्मांतरण करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे। तब कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दिल्ली जाकर अवैध धर्मांतरण करने वालों को आश्वासन देकर आए थे कि हम आप यहाँ पे आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये जो धर्म और जाति के नाम पर बांटने का जो आपका टूल किट है दीपक बैजी, उसे जनता समझ चुकी है। अब ये काट की हांडी आपकी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको बता दिया है कि आपके झांसे में वो नहीं आने वाली, तो मुझे लगता है जनता को बांटने का जो टूल किट है वो दिखाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।